तो हमारी प्लेइंग 11 की हाल फिलहाल की वीडियोस में आप सभी लोगों के तगड़े वाले रिस्पांस को देखने के बाद मुझे लगा कि भैया ये बहुत ही सही मौका है एक बार फिर से थोड़ा सा व्यूज बटोर लेने का, क्योंकि भैया इंडियन टीम ने अपना स्क्वाड फिर से अनाउंस किया। मतलब थोड़ा सा बदलाव के साथ हमने विश्व कप के लिए अपना स्क्वाड जारी कर दिया और ये फाइनल वाला है, ये पक्का प्रॉमिस वाला फाइनल है, इसके बाद अब कोई बदलाव नहीं होगा। तो ऐसे में सबसे महामजबूत प्लेइंग 11 आखिर विश्व कप 2023 के लिए भारतीय टीम की क्या तैयार हो रही है, इनके स्क्वाड को ध्यान में रख के इसके पहले हमने अपने ओपिनियन के हिसाब से टीम बनाई, अब हम बनाएंगे सभी परमुटेशन कॉम्बिनेशंस को ध्यान में रख के और जो स्क्वाड हमारे सामने आ चुका है इसको ध्यान में रख के क्या आर अश्विन की स्ट्रेट अवे प्लेइंग 11 में जगह बनती है या फिर यहां पे कोई ट्विस्ट एंड टर्न है, सब कुछ आप जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कम से कम 1 लाख व्यूज और 10,000 लाइक्स का टारगेट तो मैं रख ही रहा हूं और इस वीडियो पर इस हो जाने चाहिए ऐसा मेरा मानना है। ऐसा आप लोग के सपोर्ट, आप लोग के प्यार की मेरी ऊपर वाले से थोड़ा सा कामना है और आपसे तो है ही, मतलब करेंगे तो आप ही, सब कुछ करता धरता आप ही हैं। तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए फटाफट से ताकि इस विश्व कप में थोड़ा सा बवाल मचाया जाए, थोड़े से सवाल पूछे जाएं, जवाब दिए जाएं, अरे मैं कहता हूं सब कुछ कर दिया जाए। आप फटाफट से सब्सक्राइब करिए, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भारतीय टीम के स्क्वाड के बारे में, जो आप लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा है तो कल हमने भैया वीडियो की थी, सभी 10 टीमों के स्क्वाड बताए थे, वहां जाकर देख लीजिए, एक बार निहार लीजिए। लेकिन हम बात करेंगे इस वीडियो में प्लेइंग 11 के बारे में। सबसे पहले ओपनर्स की अगर बातचीत की जाए तो क्या कोई बदलाव होना चाहिए, क्यों बदलाव करना है भैया जब बवाल मचा रहे हैं अपने ओपनर्स, अरे सामने वाली टीमों में एकदम डर का माहौल कर दिया है भैया, क्यों बदलाव करना है? तो जी हां, रोहित शर्मा शुभमन गिल टू ओपन, ऐसा मुझे लगता है और लगता क्या है 100% यही होने वाला है, क्योंकि ये हमारे दो धुरंधर हैं, दो सबसे बेहतरीन ओपनर्स हैं जो इस वक्त विश्व क्रिकेट में छाए हुए हैं, तो यही लोग ओपन करेंगे। ज्यादा कुछ डिबेट करने का कोई मतलब है नहीं, वन ऑफ द बेस्ट हैं और उसके बाद नंबर 3 पर आएंगे किंग कोहली। तो देखिए टॉप 3 तो अपना सेटल्ड है यहां पे, अब मैं जितनी भी डिबेट करूंगा वो इलॉजिकल ही होगी, बड़ी इस लॉजिकल होगी। सो ऐसे में चलिए बात करते हैं इसके नीचे आके कि टॉप 4 में, मतलब नंबर 4 पर कौन आता है, ये थोड़ा सा डिबेटेबल टॉपिक है, क्योंकि श्रेयस अय्यर हैं, सूर्य कुमार यादव हैं, ईशान किशन है, देखिए कैंडिडेट बड़े सारे हैं लेकिन वैकेंसी तो सिर्फ एक ही आई है, मतलब प्लेइंग 11 में इन 3 में से कोई एक ही खेल सकता है, नंबर 4 पर कौन खेलेगा? मेरा ये मानना है दोस्तों, मुझे लगता है कि श्रेयस अय्यर आपकी टॉप प्रायोरिटी है आपकी स्ट्रांगेस्ट प्लेइंग 11 में। फिर से मैं यहां पर क्लेरिफाई करूंगा कि क्यों ऐसा होना चाहिए, उसका रीजन बहुत साफ है कि सूर्य कुमार यादव को मैं इसके बाद देखता हूं। एक्चुअली जो मेरा ऑर्डर है ना, मतलब कहते हैं ना प्रायोरिटी ऑर्डर आपका, तो पहले श्रेयस अय्यर है, फिर सूर्य कुमार यादव और फिर ईशान किशन। मुझे मतलब सबसे पहले श्रेयस अय्यर को 11 में रखना है तो मैं उनको टॉप 4 में नंबर 4 पर रखूंगा, क्योंकि उनकी पहली बात तो फॉर्म तो मतलब हमेशा से अच्छी रहती है, अभी आए हैं शतक जड़ कर आ रहे हैं, दूसरी बात नंबर 4 पर बहुत बेहतरीन क्या है, तीसरी बात बहुत ही रिलायबल बल्लेबाज है, और चौथी और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अच्छे से स्पिनर्स को खेलेंगे। अब मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि टफ कंडीशंस की जब आप बात करते हैं, देखिए सूर्य कुमार यादव को ना खिलाएंगे कंडीशन बेस्ड तरीके से, जैसे मान लीजिए आपको खेलना है मुंबई में, मान लीजिए आपको खेलना है कोलकाता में, जहां पर आपको पता है वो सपाट पिच बनेगी, जहां पे आपको वो 30 ओवर के बाद एक्सेलरेट करना रहेगा, वहां पे आप सूर्य कुमार यादव को खिला सकते हैं। लेकिन जब आप बात करते हैं श्रेयस अय्यर की, जहां पे कठिन पिचेस होंगी, चेन्नई, दिल्ली, तमाम वेन्यूज पर जहां पे यहां पे गेंदबाजों को मदद मिलेगी, आप एक्सपेक्ट करते हैं कि थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबल इनिंग भी खेली जाए। हालांकि वो काम सूर्या भी कर सकते हैं, पर मेरी समझ से श्रेयस वो काम ज्यादा बेहतर करते हैं, और इसीलिए श्रेयस अय्यर मुझे लगता है ज्यादा से ज्यादा गेम्स यही खेलेंगे। हालांकि सूर्य कुमार यादव जैसा मैंने बताया मेरे लिए एक कंडीशन बेस्ड च्वाइस होंगे। बहुत लोग ईशान किशन को चाहते हैं क्योंकि लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है, एक एक्स्ट्रा डायमेंशन मिलता है, पर मेरी समझ से देखिए वो मतलब लेफ्ट हैंड हो या राइट हैंड हो, अगर रन बनाए तो रन बनाए, मेरी समझ से मैं इस चीज में बिलीव करता हूं कि अंत पर्यंत रन बनने चाहिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है देन लेफ्ट हैंड या राइट हैंड बल्लेबाज से, उससे उतना फर्क नहीं पड़ना चाहिए। खैर इसके बाद दोस्तों हम बात करें यहां पे नंबर 5 स्थान को लेकर, तो कमाल लाजवाब, अरे एकदम भैया छा चुके हैं, अब तो कप्तान वप्तान भी बन जाते हैं जब रोहित शर्मा रेस्ट करते हैं, इस तरीके के हैं ये खिलाड़ी। मतलब इस बार जो इनकी वापसी हुई है 2.0 एकदम ब्लास्ट है, मतलब धमाकेदार तहलका एकदम है। तो केएल राहुल की तो यहां पर जगह सियोर शॉट है, एज अ विकेट कीपर, एज अ लीडर, वन ऑफ द लीडर ऑफ द टीम है भाई, इसमें कोई शक नहीं है। और नंबर 5 पर खेलेंगे बेमिसाल केएल राहुल खेलेंगे। नंबर 6 पर आएंगे आपके वाइस कप्तान हार्दिक कुंफू पांड्या, अब इनकी कमी थर्ड ओडीआई में हमें खल गई ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, जो कि दर्शाया कि विश्व कप में जाते हुए ये बहुत क्रिस्टल क्लियर इंपॉर्टेंट प्लेयर है, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है। मैं फिर से बताऊं हार्दिक पांड्या को ना वो कपिल देव जैसा 1983 जैसा कुछ करना पड़ेगा अगर हमें विश्व कप की ट्रॉफी उठाना है, तो इसलिए हार्दिक पांड्या वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर। देन इसके बाद अब आएंगे रविंद्र सर जडेजा, आप देखिए अक्षर पटेल नहीं है तो जडेजा की प्लेस ना और ज्यादा सेफ हो जाती है, क्योंकि अब आपको एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स चाहिए, आपको यहां पे लोअर डाउन द ऑर्डर बल्लेबाज चाहिए। हालांकि इनके स्ट्राइक रेट और इनकी फॉर्म बहुत बड़ा इशू रही है, सिरदर्द रही है पिछले कुछ सालों में, अगर आप बैटिंग परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो वो चीज हाईलाइट हाल फिलहाल में काफी हुई भी है, लेकिन फिर भी आप रविंद्र जडेजा से जैसे बड़े नामों को बैक करते हैं कि भाई यार बड़े मैचेस में ना ये बंदे परफॉर्म करके देंगे, और इसने किया है। मतलब इनको अगर आप देखेंगे 2019 के सेमीफाइनल में, ही इज अ बिग मैच प्लेयर,
सो आई थिंक रविंद्र जडेजा श्योर शॉट यहाँ पे आपको नजर आएंगे। और उसके बाद अब बात आती है नंबर 8 की, वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल प्लेस, क्या खेलेंगे रविचंद्रन अश्विन, शार्दुल ठाकुर या फिर मोहम्मद शामी। देखिए तीन कैंडिडेट हैं, फिर से भैया सीट तो एक है, वैकेंसी एक है भैया, आवेदन बड़े भरे जा रहे हैं। अब यहाँ पे कौन खेलेगा दोस्तों, मेरी महामजबूत स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 में एक्चुअली मैं यहाँ पर जगह दूंगा आर अश्विन और शार्दुल ठाकुर में से किसी एक को, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। अगर मुझे स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस चेन्नई की मिल रही हो तो आर अश्विन स्ट्रेट अवे मेरी प्लेइंग 11 में जाएंगे, जैसे अगर आप पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट देखते हैं। हालांकि दोस्तों एक फैक्टर ये भी है कि ऐसा नहीं है कि अब चेन्नई की पिच पर एक ही मैच होगा और पहली मैच में यहाँ पे बड़ी स्पिन फ्रेंडली कंडीशन हो जाएंगी, ऐसा भी नहीं होता है। लेकिन फिर भी आमतौर पर तो स्पिनर्स को फेवर करती ही है यहाँ पे चपॉक की कंडीशंस, और इसीलिए आप यहाँ पे जो है अश्विन को देखना चाहेंगे। लेकिन जब आप जैसे खेलेंगे मान लीजिए मुंबई में या कोलकाता में, जहां पर थोड़ा सा पेसर्स के लिए अच्छा रहता है और कोलकाता के लिए मतलब खेलते भी हैं यहाँ पे ठाकुर, तो आप उनको देख सकते हैं। या फिर जहां पे बहुत पेस फ्रेंडली धर्मशाला में भी अगर आप खेलें तो आप वहां पर एक्स्ट्रा पेसर, प्योर पेसर मोहम्मद शामी को देख सकते हैं। तो ये बहुत कंडीशन बेस्ड चॉइस होगी। और महामजबूत 11 में ना ये कुछ ऐसी पोजीशन है जहां पर आपको थोड़े से बदलाव देखने को मिल सकते हैं। एक नंबर 4 पोजीशन जहां पे श्रेयस अय्यर मोस्ट ऑफ द मैचेस खेलेंगे पर कभी कभी सूर्या, और फिर एक नंबर 8 पोजीशन जहां पे मुझे लगता है मोस्ट ऑफ द मैचेस एक्चुअली में आर अश्विन खेलेंगे पर कहीं कहीं आपको ठाकुर साहब और देखने को मिलने वाले हैं यहां पे मोहम्मद शामी भी, ऐसा मुझे लगता है। मोहम्मद शामी यू गना फील बैड फॉर हिम, पर मेरे समझ से ना वो जब लोअर डाउन द बैटिंग ऑर्डर, स्पेशली जडेजा की फॉर्म और खराब हुई है, एक्चुअली प्रेशर आ गया है कि नंबर 8 पर आपको एक बैटिंग ऑलराउंडर, एक बॉलिंग ऑलराउंडर एक्चुअली चाहिए ही चाहिए। और इसकी वजह से शामी की जो मतलब कहते हैं ना कि प्लेइंग 11 में जगह बनने के जो आसार थे, वो भले उनकी बॉलिंग परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो फिर भी कमजोर बन जाते हैं, फिर वो आपको मतलब वो रोटेशन पॉलिसी में ही नजर आते हैं। यानी कि इसके बाद जब कुलदीप यादव खेलेंगे और अब जब दो स्लॉट बचेगा तो उसमें एक तो जसप्रीत बुमराह फिक्स है और दूसरे पे मोहम्मद सिराज रहेंगे, और यहीं पर रोटेशन होगा। जब सिराज रेस्ट करेंगे तो शामी खेलेंगे, बुमराह रेस्ट करेंगे तो शामी खेलेंगे। ये चीजें आपको यहाँ पे शफल शफल में देखने को मिलेंगी। और मेरी समझ से यही है सबसे महामजबूत प्लेइंग 11 भारतीय टीम की इस साल के विश्व कप 2023 के लिए इसी तरीके से कंस्ट्रक्ट हो रही है। जैसा मैंने बताया नंबर 4 पर मोस्ट ऑफ द मैचेस मेरी समझ से श्रेयस खेलेंगे, सूर्या खेलेंगे जब आपको बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालना रहेगा, स्पेशल इंपैक्ट डालना रहेगा। और उसके बाद दोस्तों अगर आप बात करते हैं नंबर 8 पोजीशन की, तो ये पूरी तरीके से कंडीशन बेस्ड कॉल्स ली जाएंगी, मैं आपको पहले बता दे रहा हूं। हालांकि रोहित शर्मा का रविचंद्रन अश्विन पर ट्रस्ट है और उन्होंने उस ट्रस्ट पे खरे भी उतरे हैं, तो उनको ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी, ये भी मैं क्लियर कर दे रहा हूं। तो ऐसे में दोस्तों ये है विश्व कप 2023 के लिए मेरी महामजबूत प्लेइंग 11, सारी कंडीशंस के साथ मैंने आपको समझा दिया है। अब आपके मन में कुछ सवाल छोड़े जा रहा हूं, वो जवाब आपको कमेंट सेक्शन के शटर उठाकर देना है कि क्या आप यहां पे श्रेयस को देखेंगे, सूर्यकुमार यादव को, ईशान किशन को, किसको आप देखते हैं, कौन प्लेइंग 11 में आना चाहिए, नंबर 8 पर आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में कौन है, क्या शामी को देखना चाहते हैं तीन प्योर पेसर या फिर शार्दुल अश्विन कंडीशन बेस्ड कॉल, आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन की शटर उठाइए, लिख कर मुझे फटाफट से बताइए। और वर्ल्ड कप पर अगर आपने स्क्वाड वीडियो नहीं देखी है तो यहां लगा दे रहा हूं, और एक बहुत ही स्पेशल वीडियो मैंने विश्व कप एनालिसिस किया है भैया, देख कराओ सभी 10 टीमों का। बाकी मिलते हैं बहुत जल्द एक और इंटरेस्टिंग जानदार शानदार वीडियो के साथ, अब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।